हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूट लोकस के बारे में। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रूट लोकेशन की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, और इसमें हम तीन टॉपिक मेनली डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो रूट लोकस क्या है, उसके बाद रूट लोकस को बनाने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, और तीसरा इस पर हम न्यूमेरिकल वेस बात करेंगे। और न्यूमेरिकल भी हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, एक बार हम नॉर्मल पोल्स के लिए लेंगे, एक बार हम कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए लेंगे, एक बार हम कॉम्प्लेक्स जीरोज के लिए भी लेंगे, एक में जिसमें जीरो हो, पोल हो। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल इस पर बेस करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। और मैं इसमें थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा इसके, जब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तब। और अब हम बात करने वाले हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें रूट लोकस जानने से पहले, जैसे कि हमने कंट्रोल सिस्टम में पढ़ा है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया है। फिर भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि जो GSHS इज इक्वल टू K अपॉन SS प्लस टू, माना कि मैंने एक ये ले लिया, तो ये क्या है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को, इसके बाद हम देखेंगे इसको क्लोज लूप में किस तरह से बनाया जाता है। और जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसमें ये जो कांस्टेंट चीज है, ये क्या होती है, ये होता है हमारा गेन। और जो हमारे डिनोमिनेटर में होते हैं, ये होते हैं हमारे पोल्स। और जो हमारे न्यूमरेटर में होती हैं, वो होती है हमारे जीरोज। अगर कोई हमारा जीरो है, जैसे कि ये एस प्लस थ्री आ गया यहाँ पे, तो अगर इस तरह से कुछ अगर के से मल्टीप्लाई है, तो वो तो हमारी होंगी जीरोज, और जो डिनोमिनेटर में होंगे वो हमारे पोल्स होंगे, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो होगी हमारी गेन। ये तो हम सब डिस्कस कर चुके हैं कंट्रोल सिस्टम के बेसिक्स में। तो अब हम जो बात करेंगे, वो क्या करेंगे कि रूट लोकस की डेफिनेशन किस तरह से इससे सेटिस्फाई है। माना कि मेरे पास कोई GSHS करके एक क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन SS प्लस टू। तो इसमें जो ये के है, के क्या है मेरा गेन, ठीक है। अगर इसी को अब मैं क्लोज लूप में लिखता हूं, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है मेरा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, GSHS अपॉन वन प्लस GSHS, ये हो गया। तो ये कितना हो गया मेरा, K अपॉन SS प्लस टू अपॉन वन प्लस के अपॉन एस एस प्लस टू। तो देखो, अगर इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा के अपॉन वन प्लस एस, तो ये आ जाएगा हमारा एस एस प्लस टू प्लस के। और हम इसको कर सकते हैं के अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के। ये आ गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये ओपन लूप था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया। अब बात करते हैं हम रूट लोकस के बारे में। तो देखो, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसकी हमें नीड अभी पढ़ने वाली है। तो सबसे पहले इन केस ऑफ रूट लोकस के अंदर क्या है, द वेरिएबल इज गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो जो वेरिएबल चीज है वो क्या है, गेन है किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कौन सा, ये, और इसका गेन क्या है, ये के। तो इसका मतलब हमारे जो रूट लोकस है, उसके अंदर जो वेरिएबल चीज है वो गेन है किसका, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन क्या है मेरा, के। तो इसका मतलब कि रूट लोकस के अंदर जो हम वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या है, के की। एंड वी कैलकुलेट लोकस ऑफ पोल फॉर क्लोज लूप सिस्टम। और जो क्लोज लूप सिस्टम है, ट्रांसफर फंक्शन है, इसके जो पोल्स हैं, वी कैलकुलेट द लोकस ऑफ पोल, जो इसके पोल्स हैं उनका जब अगर हम लोकस बनाएं, इनके पोल्स का अगर क्या बनाएं, हम लोकस बनाएं क्लोज लूप सिस्टम, व्हेन गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। और क्या है कि जो इसकी वैल्यू क्या है, के, इसकी वैल्यू को हम चेंज करते हुए, किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी, के है। तो के की वैल्यू को चेंज करते हुए अगर हम पोल्स का, किसके पोल्स का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल का अगर हम लोकस बनाते हैं, तो जो वो लोकस बनेगा, वो लोकस हमारा क्या होता है, रूट लोकस। और ये किस तरह से बनेगा, तो देखो इसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो जो नीचे आया वन प्लस जी एस एच एस, ये किसका डिनोमिनेटर था हमारा, ओपन लूप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का था। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स,
इक्वेशन, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं, जो हमें बेसिकली अभी नीड पढ़ने वाली है। तो ये क्या आई है मेरी, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। हम कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं। उसके बाद अब निकालते हैं हम इसके पोल्स की लोकेशन। तो अब हम क्या करें, जैसे कि मैंने बोला के की वैल्यू को चेंज करते हैं कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो हम के की वैल्यू को यहाँ पर वेरी करते जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या रूट निकल के आने वाला है। जैसे देखो मैम, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के को एक बार मैं ले रहा हूँ जीरो। अगर मैं के को लेता हूँ जीरो तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो एस स्क्वायर प्लस टू एस इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एस प्लस एस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक पोल आया मेरा जीरो पे और दूसरा पोल आया मेरा किस पे, माइनस टू पे। और ये देखो मैं पहले ही बना लेता हूँ यहाँ पे, एक मेरी होती है क्या सिग्मा, ये क्या है रियल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है ये मेरी, रियल एक्सिस। दूसरी होती है मेरी इमेजिनरी एक्सिस। जो इमेजिनरी एक्सिस है वो कौन सी है मेरी, जे ओमेगा वाली। और रियल एक्सिस है वो मेरी है क्या, जे सिग्मा वाली, जो रियल एक्सिस है, और इमेजिनरी वाली जे ओमेगा। तो अब देखो इसमें मैं इसको बनाता हूँ, तो मेरे पोल कहाँ का आए, पहली बार एक आया जीरो पे, दूसरा आया केस में मेरा माइनस टू पे। अब मैंने के की वैल्यू दोबारा से चेंज करी, तो के की वैल्यू मैंने इस बार ले ली के इज इक्वल टू 0.5। तो अब मेरा ये हो गया एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 0.5 इज इक्वल टू जीरो। और जो मेरी एस की वैल्यू आई है वो आई है माइनस 0.29 और दूसरी आई है मेरी माइनस 1.79। तो देखो ये वाली कब कहाँ आ गई, इधर आ गई माइनस 0.29, और ये देखो इससे भी कम होगी तो माइनस 1.79। अब मेरा पोल की पोजीशन किस तरह से ऐसे चेंज होने लगी। इसके बाद मैंने के की वैल्यू क्या ली, के की वैल्यू ले ली 0.8। के की वैल्यू जब 0.8 ली तो ये क्या आ गया मेरा एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 0.8 इज इक्वल टू जीरो। और अब मेरी एस की वैल्यूज आई हैं वो आई है माइनस 0.5 और दूसरी आई है माइनस 1.45। इसका मतलब ये तो हो गई माइनस 0.5 और ये हो गई माइनस 1.45। तो इस तरह से मेरे पोल, देखो अब मेरा जो पोल है, जो पोल की जो पोजीशन है वो ऐसे शिफ्ट होती हुई आ रही है। उसके बाद अगर मैं ले लेता हूँ k इज इक्वल टू 1, तो मेरा ये हो गया एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, माइनस 1, क्यों ये हो जाएगा s प्लस 1 का स्क्वायर, तो दोनों आ जाएंगी माइनस 1। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया जिस पर ये दोनों पोल क्या हो गए, मिल गए। और इसका पोल मिलने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद अगेन मैंने s की वैल्यू क्या ली 2, तो मेरे पास जो वैल्यूज आई वो आई अब माइनस 1 प्लस माइनस j। तो जब ये आई इसका मतलब मेरे पास अब वैल्यूज क्या आ गई इस तरह से, मतलब कॉम्प्लेक्स आ गई। तो देखो मेरा जो पोल्स की लोकेशन थी वो कुछ इस तरह से मूव होने लग गई। तो इस तरह से हम बनाते हमारा रूट लोकस, बेसिकली तो रूट लोकस इस तरह से निकलता है। इसके बाद हमारी स्टेप्स हैं कि हम रियल एक्सिस पे ये किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेजनरी एक्सिस पे ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट्स निकालेंगे, ब्रेक अवे पॉइंट निकालेंगे, ब्रेक इन पॉइंट निकालेंगे, और के मार्जिनल वैल्यूज निकालेंगे। वो सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके लिए, तो सब अब ये हमारा बेसिक हो गया।